तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हम मैग्नेटिज्म ने हमने ये पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा एक प्रोटॉन के चारों ओर, तो उसके वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, और पढ़ा था करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास पढ़े हुए थे, ठीक है। आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। अब ये वाला जो टॉपिक है बड़ा ही मजेदार सा है, हालांकि कोई डेरिवेशन इसमें नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड होके ये डिराइव होके ये कॉन्सेप्ट बनता है या फिर ये टॉपिक बनता है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा चीज है, छोटा सा क्लास होगा, आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आते हैं सॉलिनॉइड पे। अब ये सॉलिनॉइड होता क्या है? हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि अगर एक बीच में कोर हो और उसके चारों ओर अगर मैं वायर को या तारों को लपेट दूं, तो ये जो अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलते थे सॉलिनॉइड। हाँ या ना, याद आ रहा है कुछ? सॉलिनॉइड बोलते थे, और इसमें से करंट दौड़ता था, आई करंट दौड़ता था, और हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड निकाला हुआ है, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड निकाला हुआ है। अब देखो, ये जो सॉलिनॉइड है आप इसको कहां से देख रहे हो? आप इसको सामने से देख रहे हो ना, ऐसे। अगर मान लो मैं आपको खड़ा कर दूं यहां पे, मान लो यहां पे खड़े हो गए, तो ये सॉलिनॉइड आपको कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब एक सर्कुलर रिंग दिखेगा, लेकिन जो मोटा होगा, होगा या नहीं होगा? मतलब जो सॉलिनॉइड होगा वो आपको सामने से कैसा दिखेगा? एक बस सिंगल रिंग दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो इस सॉलिनॉइड को अगर मैं यहां पर, अब चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड, लेकिन अगर मैं मान लू मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस सॉलिनॉइड की वजह से यहां पे कितना होगा, इस पॉइंट पी पे, वो निकालना है, तो मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमने पहले से ये निकाला हुआ है, ठीक है। कैसे बता रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या करना है, मुझे इसके वजह से इस पॉइंट पे निकालना है। अब अगर मैं इसको इधर साइड से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? एक ऐसा रिंग दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? और ऐसा रिंग दिखेगा, और मुझे इसके सेंटर से इस एक्सिस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना, ये अगर सॉलिनॉइड का एक्सिस हुआ तो ऐसा निकालना है। अब इस पे मैं बहुत सारे तार अगर लपेट दूं ऐसा ऐसा करके, तो ये सॉलिनॉइड बन गया, बना या नहीं बना? और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट इट एक्सिस हमने निकाला हुआ है, निकाला हुआ है या नहीं निकाला हुआ है? निकाला हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए रिंग इन इट्स एक्सिस कितना होता है, जरा देख के बताओ। आज मैं बताऊंगा नहीं, आज तुम में से कोई देख के बताएगा कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग इन इट्स एक्सिस। अच्छा, ये मैंने लास्ट क्लास भी बताया हुआ है, लास्ट क्लास भी जब हम करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ रहे थे वहां पे भी बताया हुआ है कितना होता है, मुझे जरा देख के बताओ। B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2IA बाय R³। ये है, ये क्या है, ये किसके वजह से है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग है। अब अगर मान लो इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन टर्न्स है, तो कैपिटल एन क्या होता है? कैपिटल एन होता है हमारा टर्न डेंसिटी, और टर्न डेंसिटी हमारा क्या होता है? टर्न डेंसिटी हमारा होता है, सॉरी उल्टा लिखा, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ये कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन होता है हमारा टर्न डेंसिटी, कुछ भी ले लो टर्न डेंसिटी, और टर्न डेंसिटी हमारा कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द
लेंथ। अब मान लो ये जो सॉलिनॉइड है इसका लेंथ अगर मैं 2L मान लू, ठीक है, या फिर L ही मान लू, अगर मैं इसका लेंथ L मान लेता हूं तो मेरा टर्न डेंसिटी कितना हो जाएगा, स्मॉल n विल बी इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L, होगा या नहीं होगा? होगा। तो या फिर कैपिटल N इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल n इंटू एल लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब ये रिंग के लिए इतना है, रिंग में अगर मैं n नंबर ऑफ टर्न्स जोड़ दूं, मान लो कैपिटल n नंबर ऑफ टर्न्स मैं जोड़ लगा देता हूं, वही तो सॉलिनॉइड है। सॉलिनॉइड को अगर इधर से देखो तो उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स आ ही जाते हैं, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आ गए तो मैं यहां पे n मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2n i a बाय r क्यूब, होगा या नहीं होगा? कुछ गलत किया गया है? कुछ नहीं, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? पक्का आंसर समझ रहे हो? चलो, तो अब एन आई ए अगर याद करो, मैंने लास्ट क्लास बताया हुआ था एन आई ए इक्वल टू कितना होता है, एन आई ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है एम। अगर लास्ट क्लास का लेक्चर देखो तो वहां पे मैंने बताया हुआ है एम इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैं इस एन आई ए की जगह पे अगर m डाल देता हूं तो कुछ गलत है, तो b इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब, आएगा या नहीं आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिनॉइड एट ए सर्टन पॉइंट p कितना हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय r क्यूब। और ये p कहां पे लाई करता है, ये p लाई करता है ऑन द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड, राइट। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड या सॉलिनॉइड ऑन इट्स एक्सिस कितना हो गया, इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय r क्यूब, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब देखो यहां पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए मैं यहां पे इसका डेरिवेशन नहीं करवाया, मैंने एक शॉर्टकट मारा और इसी को लेके मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। कैसे हुआ, हम इधर से भी निकाल के कर सकते हैं, ठीक है? फिजिक्स का मतलब ये होता है कि चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाया, नहीं तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता dx, फिर उसका उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता, फिर उसको इंटीग्रेट करता, वही सेम चीज आने वाला था, यहाँ पे जो आया है वही सेम चीज आता और कुछ नहीं आता। मैं उतना जाऊंगा ही नहीं, क्यों कॉम्प्लिकेट करना फिजिक्स को, आसान से समझते हैं, ये चीज तो हम पढ़े हुए, इसका रिंग वाला कॉन्सेप्ट उसी को ही लगा दो, इसमें बस नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गया ना, रिंग में एक ही टर्न था, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गया, बढ़ा दो मल्टीप्लाई कर दो वही आ जाएगा, समझे या नहीं समझे? सॉलिनॉइड के वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना मिल गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय r क्यूब। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर टॉपिक तो है बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड, अब बार मैग्नेट पे थोड़ा काम करते हैं, ठीक है? अब ये जो टॉपिक है बार, अगर मान लो मैं एक बार मैग्नेट ले लेता हूं, सपोज मैं एक बार मैग्नेट यहां पे ले लेता हूं, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, अब ये उसका एक्सिस हो गया। अगर मैं इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं इस बार मैग्नेट की वजह से तो कितना होगा, अब इसका भी एक प्रॉपर डेरिवेशन है, ठीक है, ये भी बता दे रहा हूं, इसका भी एक प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में 2022 में जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है वो टॉपिक हटा दिया गया है, नहीं तो स्टार्टिंग पहले क्लास में मैं इसके बारे में ही पढ़ा था,
मैग्नेटिक बार मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट इन ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजिशन, ये सारा पढ़ाया जाता है, लेकिन सिलेबस से हट गया है, लेकिन फॉर्मूला दिमाग में होना जरूरी है। तो क्या फॉर्मूला होता है ये भी मैं बता देता हूं। फॉर्मूला ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट इट्स एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 एम बाय आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो बार मैग्नेट के एक्सिस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनोइड के एक्सिस पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे क्या पता चल गया, इससे यह पता चल गया कि जो बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड की तरह, या फिर जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है, और जो बार मैग्नेट है वो भी सोलेनोइड की तरह काम करता है। और अगर इस पे आप फर्दर और समझना चाहो कि सर मजा नहीं आया और थोड़ा समझते हैं, अब इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं एक रिंग के बारे में बात करूं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्लॉक रूल बताया था ना, क्लॉक रूल में अगर एक रिंग है उसका एक एंड क्या होता था नॉर्थ पोल और दूसरा एंड होता था साउथ पोल, होता था या नहीं होता था। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा है और कुछ तो चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स ही बढ़ा है ना, और कुछ चेंज हुआ है, कुछ नहीं, सोलेनोइड में और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो अगर सोलेनोइड है तो यहां पे भी नॉर्थ पोल बनेगा, यहां पे भी साउथ पोल बनेगा, क्योंकि ये तो रिंग ही है, करंट जो सारे कॉइल्स है वो तो पास पास लगे हुए हैं, तो एक रिंग के दोनों तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गए या नहीं बन गए। तो मैग्नेटिक, अब देखो बार मैग्नेट जो है उसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, सोलेनोइड जो है उसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। तो क्या हम एक सोलेनोइड को बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं? और वही प्रूफ करना था, हो गया, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया? अब मुझे पता है अभी मैंने क्लास बताया मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अभी के लिए समझ गए होगे, लेकिन एग्जाम वाले दिन भूल जाओगे, मुझे पता है, ये मैं श्योर हूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ही नहीं कि क्या हो गया इसमें। तो इसके लिए मैं चार लाइनें इस पे लिख देता हूं, किसके बेसिस पे, कि मैग्नेट, बार मैग्नेट और सोलेनोइड में क्या सिमिलरिटी है, वो कॉपी में थ्योरी के हिसाब से नोट डाउन कर लो, तो जब नोट्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं पहले, फिर समझ जाएंगे। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं एक करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड ए बार मैग्नेट के बीच में। ठीक है, क्या है, पहला चीज ये बोलता है अगर करंट कैरिंग कॉइल को आप या सोलेनोइड को अगर आप फ्री में हवा में लटकाते हो तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोजिशन में रेस्ट करेगा। ठीक है, ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया है, और अगर आप चाहो तो घर में भी करके देख सकते हो, लेकिन हल्का फुल्का अगर करना चाहो तो करना, नहीं तो झटका वटका लगेगा, फिर हालत खराब हो जाएगी। और डीसी करंट यूज करना, अल्टरनेटिंग करंट नहीं, पता चला मेन से ही तार निकाल के सोलेनोइड पे लगा दिए तो घर का शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा, वो सब मत करना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, टू करंट कैरिंग सोलेनोइड एग्जिबिट ए म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जस्ट लाइक बार मैग्नेट। मतलब अगर आप दो सोलेनोइड को पास पास लाते हो, करंट कैरिंग सोलेनोइड को, तो आइदर वो अट्रैक्ट करेंगे, या फिर अगर वो नॉर्थ पोल साउथ पोल हुआ तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल हुआ तो वो रिपेल करेंगे। और ये किसका नेचर है, ये बार मैग्नेट का ही नेचर है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सेम जो कि म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 एम बाय आर क्यू, जो मैंने अभी प्रूफ किया। ठीक है, अब ये चीज मैंने प्रूफ इसलिए नहीं किया है क्योंकि फालतू का डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया गया है, क्लियरली बता रहा हूं। तो बस फॉर्मूला याद रखना है, अगर मान लो कभी पूछ भी लिया कि बार मैग्नेट के वजह से एक उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड गिरता है तो ये है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। अब ये आता है क्वेश्चन, ये आता है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे गिरेंगे। अब मैं अगर आपको बताऊं, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें से 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, 3 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें से क्वेश्चन यह पूछ लेगा कि अगर मान लो मैं 2 मैग्नेट को पास पास रखता हूं, मतलब 2 सोलेनोइड को पास पास रखता हूं, तो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा होगा एक एक्सिस पे। मान लो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, मान लो एक सोलेनोइड इधर है और एक सोलेनोइड इधर है, ठीक है, ये मान लो नॉर्थ पोल एग्जिबिट कर रहा है, ये साउथ पोल एग्जिबिट कर रहा है, तो एक ऐसा डिस्टेंस इनके बीच में बताओ, एक ऐसा पॉइंट इन दोनों के बीच में बताओ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। वो कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालो, इसको निकालो, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और दोनों को क्या कर दो, सम कर दो, सम का वैल्यू जीरो होना चाहिए, और आर यहां पे क्या है, डिस्टेंस है, इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, अगर ये पी पॉइंट हुआ तो ये हो गया आर वन, ये हो गया आर टू, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो और इसका क्वेश्चन आप बना सकते हो। बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स अगर ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन डालना हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ मेन फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ जनरली पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूला दिमाग में छाप लेना बस, ठीक है, और कुछ जरूरत नहीं है, फॉर्मूला दिमाग में छाप लेना और कॉन्सेप्ट समझ के जाना, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो आराम से कर ले जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद और एक टॉपिक हमारा बचता है जो कि है अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक उसके एलिमेंट्स, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसको पढ़ाने में टाइम लगता है, थोड़ा थ्योरेटिकल है और समझने वाला भी है, उसको पढ़ाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए मैं उसको पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास पूरा लूंगा, आज के क्लास में पढ़ाऊंगा, टाइम नहीं होगा, मुझे भी काम है, मतलब काम नहीं है, दूसरा क्लास है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ में आया कॉन्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर खत्म, चैप्टर नंबर 5 खत्म, आपके सिलेबस में 2022 में जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।